नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, बहुत ही शुभ दिन आ रहा है, देव दीपावली आ रही है। आप सभी लोगों को हमारे तरफ से देव दीपावली की बहुत सारे शुभकामनाएं। दोस्तों, आज जानेंगे देव दीपावली कब है, विधि क्या है पूजन, और डेट क्या है, तिथि क्या है इस बारे में। इस साल देव दीपावली 29 नवंबर 2020 को आ रही है, और इनके जो डेट्स आ रहे, जो तिथि आ रहे हैं, वो मैं आपको बता दूँ। जो शुभ मुहूर्त है देव दीपावली की, वह है प्रदोष देव दीपावली के मुहूर्त है शाम के 5:08 से लेकर शाम के 7:47 तक। पूर्णिमा तिथि की प्रारंभ होगी 12:47 से लेकर अगले दिन यानी कि 30 नवंबर 2020 की 2:59 तक। दोस्तों, स्क्रीन में भी हमने ये डिस्प्ले किया है, आप टाइमिंग नोट कर सकते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में देव दीपावली के त्योहार मनाया जाता है। नॉर्मली जो दीपावली हमारे आते हैं, उसके ठीक 15 दिन के बाद देव दीपावली मनाया जाता है। दीपावली के दिन मनुष्य जिस तरह से दिवाली मनाते हैं, जिस तरह से दिया जला के पूरे धरती को उजाला उजाला कर देते हैं, ऐसे ही दीपावली भगवान जी मनाते हैं। सारे भगवान जो मनाते हैं, वो है ठीक 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन। इस दिन को कहा जाता है देव दीपावली। काशी और वाराणसी में ये देव दीपावली का बहुत ही खास महत्व है, और बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे देव दीपावली मनाया जाता है। गंगा घाट में बहुत लाखों लाखों दिया जलाया जाता है, जिसका नज़ारे इतने सुंदर होते हैं, इतने सुंदर होते हैं कि दूर दूर से लोग आके इस दृश्य, इस मनोरम दृश्य को देखने के लिए कई दूर दूर से लोग जो है आते हैं, और इन दृश्यों को देख के मुग्ध हो जाते हैं। दोस्तों, इस दिन गंगा किनारे नाव से सैर करके भी लोग घूम घूम के चारों तरफ दिया का नज़ारे देखते हैं। पानी में फ्लोट करते हुए जो दिया का नज़ारा है, वो इतना खास होता है कि दूर दूर तक इसकी प्रसिद्धि है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में मनाया जाने वाली देव दीपावली, इसलिए इसके पीछे जो पुराणों के अनुसार क्या बोला जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक एक असुर का वध किया था, जिससे भगवान और बाकी समस्त संसार को रक्षा किया था। इसी खुशी में इस दिन सारे भगवान मिलके देव दीपावली मनाते हैं। देव दीपावली मनाने के पीछे बहुत तरह का कहानियां है, बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग कहानियां प्रचलित है। इस कहीं बोला जाता है कि शिव जी के पुत्र कार्तिकेय ने इस दिन त्रिपुरासुर के वध किया था, जिसके लिए ये कार्तिक की महीना है, और इसी खुशी में सारे भगवान जो है दीपावली मनाया है। सोचिए, जो इंसान दीपावली मनाते हैं तो इतनी सुंदर होते हैं, जब देवता खुद जमीन पे आके दीपावली मनाते हैं तो उसकी नज़ारा कैसे होगी। माना जाता है कि इस दिन सभी देव गंगा नदी के घाट में आकर दीप प्रज्वलित करते हैं। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान शिव जी ने त्रिपुरासुर नाम का राक्षस का वध किया था। तो दोस्तों, दीपावली के ये शुभ मुहूर्त जो है, ये हमने आपको बताया, और बताया कि वाराणसी में, काशी में ये किस तरह से विख्यात है और कितनी सुंदर इसके नज़ारे होते हैं। दोस्तों, हो सके तो किसी न किसी साल एक बार आप इनके दर्शन जरूर करें। आइए जानते हैं देव दीपावली हम घर में कैसे मनाएं, देव दीपावली की पूजन विधि कैसे होती है। तो दोस्तों, दीपावली की, देव दीपावली के दिन सबसे पहले माना जाता है कि गंगा स्नान करना बहुत ही जरूरी रहते हैं, लेकिन सबके लिए क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, और इस साल कोरोना के वजह से हम बाहर भी नहीं जा पा रहे ज़्यादा। तो दोस्तों, एक आप कम से कम इतना कीजिए कि आपके पास जो गंगा जल है, वो नहाने के पानी में थोड़ा सा मिक्स करके ब्रह्म मुहूर्त में नहा के तैयार हो जाइए। नया वस्त्र अगर नहीं है, नया वस्त्र है तो नया वस्त्र धारण कीजिए, नहीं है तो कोई भी शुद्र धोया हुआ अच्छा कपड़ा धारण कीजिए। सभी भगवान का पूजा उपासना कीजिए। इस दिन सबसे पहले जो है, इस दिन हमारा शिव जी का और विष्णु जी का आराधना खास करके किया जाता है, लेकिन इनसे भी पहले सबसे पहले जो पूजा होता है, वह है हमारा गणेश जी का। गणेश भगवान का सबसे पहले पूजा कीजिए, पंचोपचार से पूजा कीजिए, फूल फल नैवेद्य धूप दीप दिया देकर पूजा कीजिए। उसके बाद शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी को भी पुष्प घी नैवेद्य बेलपत्र अर्पित करके शिव जी की पूजा कीजिए। विष्णु जी की पूजा में पीले फूल नैवेद्य, पीले वस्त्र, पीली मिठाई इत्यादि आप चढ़ा सकते।
विधिवत पूजा होने के बाद आप देव दीपावली की कथा सुने। देव दीपावली की कथा सुनना बहुत ही अच्छा माना जाता है। कथा सुनने के बाद भगवान गणेश, भगवान शिव और भगवान विष्णु का धूप एवं दीप घंटी से आरती जरूर करें और अंत में भगवान विष्णु, भगवान शिव और बाकी सभी देव देवियों को मिठाई की भोग जरूर लगाएं। इस दिन गंगा घाट में लाखों दिया जलाए जाते हैं। अगर आप गंगा घाट में जाके दिया नहीं जला सकते तो अपने घर को देव दीपावली के दिन उजाला से भर दीजिए। इस दिन मिट्टी के दिया जलाया जाता है, तेल से जलाया जाता है। तुलसी मंच के यहाँ पे घी का एक दिया जरूर जलाए। अपने मंदिर में जहाँ आपके भगवान जी को आपने स्थापित करके रखा है वहाँ पे दिया जरूर लगाए और जितनी इच्छा दिया लगाए। इस दिन गंगा घाट में लाखों दिया जलाया जाता है तो घर को भी उजाला कीजिए। कोई कोना अंधेरा ना रह पाए, इस दिन हर कोना चमकना चाहिए। दोस्तों चौखट में दिया जरूर लगाए, छत पे लगाए, आंगन पे लगाए, किचन में दिया लगाए, लेकिन किचन में दिया लगाने के टाइम पे थोड़ा सावधानी जरूर बरते। दोस्तों बाकी सभी जगह पे जहाँ जहाँ आपके पूजा स्थान है, मंदिर है, घर के आसपास है, सभी जगह पे इस दिन खिड़कियों में सभी जगह पे दिया लगाया जाता है। सुंदर मनोरम दृश्य होता है। तो दोस्तों देव दीपावली की बहुत सारे शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।